नमस्कार दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर का अभी ये थर्ड वीडियो है बेसिक कंसेप्ट का तो अभी इसमें हम आज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फिर उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो पिछले वीडियो में हमने ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी अभी आज हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम पढ़ेंगे तो अभी देखो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि सपोज़ ए प्लस आयोटा बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो ए माइनस आयोटा बी होगा क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें रियल नंबर मिलेगा तो जिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर होता है उन दो नंबर्स को एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहा जाता है जैसे कि सपोज टू प्लस थ्री आयोटा अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो टू माइनस थ्री आयोटा होगा और जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू प्लस थ्री आयोटा इंटू टू माइनस थ्री आयोटा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू स्क्वायर फोर माइनस थ्री स्क्वेयर नाइन आयोटा स्क्वेयर मतलब माइनस वन तो यहाँ पे फोर प्लस नाइन आंसर थर्टीन आ जाएगा तो अभी जो अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर टू प्लस थ्री आयोटा होगा तो इसका जो कॉम कॉन्जुगेट होगा वो जेड बार इज इक्वल टू टू माइनस थ्री आयोटा इसे हम कॉन्जुगेट कहेंगे तो जेड बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड एंड जेड इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड बार तो जेड बार का फिर से अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमें जेड ही मिलेगा तो जो प्रॉपर्टी नंबर वन है ऑफ कॉन्जुगेट वो यही है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें जेड ही मिलेगा ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर वन अब सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर जेड इक्वल टू जेड बार होगा तो जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल होगा प्योरली रियल क्योंकि रियल नंबर को रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई करने के बाद रियल नंबर मिलेगा और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो जिसका मतलब सपोज जेड इज इक्वल टू जेड बार है तो जेड की वैल्यू थ्री प्लस जीरो इंटू आयोटा मतलब ओनली रियल पार्ट होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ पे जीरो होगा तो थ्री माइनस जीरो इंटू आयोटा ये इसका कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉन्जुगेट होगा तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद रियल नंबर नाइन ही आएगा तो इसलिए ये प्योरली रियल होना चाहिए अगर कॉन्जुगेट और वही नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों भी प्योरली रियल होने चाहिए अब इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है कि सपोज जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार तो यहाँ पे जेड जो है वो प्योरली इमेजनरी नंबर होना चाहिए जेड इज प्योरली इमेजनरी मतलब ओनली ओनली कॉम्प्लेक्स पार्ट इस नंबर में होगा जैसे कि अगर जेड इज इक्वल टू सपोज हम थ्री आयोटा लेते हैं तो जेड बार ये हो जाएगा माइनस थ्री आयोटा <coughs> तो जेड बार का यहाँ पे जेड का नेगेटिव लेने के बाद जेड बार हमें मिल जाएगा तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे थ्री आयोटा इंटू माइनस थ्री आयोटा तो यहाँ पे हमें रियल पार्ट मिलेगा प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री थ्री जो नाइन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा माइनस वन तो यहाँ पे प्लस नाइन ओनली हमें मल्टीप्लाई करने के बाद रियल नंबर मिलेगा तो अगर जेड में प्योरली कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा तो उसका जो कंजुगेट होगा उसमें उसी का हमें निगेटिव लेना है तो ये प्रॉपर्टी जो है वो अगर z इज इक्वल टू माइनस जेड बार होगा तो z इज प्योरली इमेजिनरी अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो पहली जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम कोई भी जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो इनके ऑर्डर चेंज करके अगर हम एडिशन करते हैं तो ये दोनों समय इक्वल ही एडिशन मिलेगी सपोज जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी है ये है अभी ये जो प्रॉपर्टी है इसको इसको कहा जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो कमिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स असोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स फॉर एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे कि जेड वन प्लस इन ब्रैकेट जेड टू प्लस जेड थ्री तो इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड थ्री तो इसे कहा जाता है असोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होगी कमिटेटिव प्रॉपर्टी तो कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स फॉर addition of complex numbers and associative property associative property also holds for addition of complex numbers अब जो next property है वो zero की property है किसी भी complex number में अगर हम zero add करते हैं तो वही complex number हमें answer में मिल जाएगा या फिर zero में कोई हम complex number add करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें आंसर के फॉर्म में मिल जाएगा अब अगर जेड वन प्लस जेड वन का कॉन्जुगेट अगर हम ऐड करते हैं जैसे कि सपोज़ थ्री प्लस टू आयोटा में हमें थ्री माइनस टू आयोटा ऐड करना है तो यहाँ पे हमें टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ये जो रियल पार्ट होगा तो उसे हम रियल पार्ट ऑफ जेड वन ऐसा कहेंगे तो उसका टू टाइम हमें यहाँ पे मिल जाएगा तो हमें यहाँ पे लिखना है टू मल्टीप्लाइड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमें लिखना है तो अगर किसी नंबर से उसका कॉन्जुगेट हम सबटैड करते हैं तो हमें टू टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा जैसे कि अगर थ्री प्लस टू आयोटा से हम थ्री माइनस टू आयोटा सब करेंगे तो यहाँ पे थ्री प्लस टू आयोटा माइनस थ्री प्लस टू आयोटा तो यहाँ पे रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का टू टाइम्स हमें मिल जाएगा तो यही हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी में हमने लिखा है अब इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर फाइव इन ब्रैकेट जेड वन प्लस जेड टू ब्रैकेट कॉन्जुगेट तो इज इक्वल टू यहाँ पे जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट इसका मतलब है कि अगर हम दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन करके अगर उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बराबर होगा दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके एडिशन करने के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसके बराबर वो हमें मिल जाएगा जैसे कि सपोज़ हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं कि सपोज़ जेड वन इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आयोटा और जेड टू इज़ इक्वल टू सपोज़ टू माइनस थ्री आयोटा तो अगर हम इनके एडिशन करेंगे तो जेड वन प्लस जेड टू और उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो पहले हम जेड वन प्लस जेड टू करेंगे तो एडिशन में यहाँ पे फाइव प्लस वन आयोटा मिल जाएगा और जेड वन प्लस जेड टू का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो यहाँ पर फाइव माइनस आयोटा ये मिल जाएगा अब हमें दोनों का कॉन्जुगेट लेना है जेड वन और जेड टू का तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा थ्री माइनस फोर आयोटा और कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू ये मिल जाएगा टू प्लस थ्री आयोटा और अगर जेड वन बार प्लस जेड टू बार एडिशन करेंगे तो यहाँ पे थ्री प्लस टू फाइव माइनस फोर प्लस थ्री आई यहाँ माइनस आई हो जाएगा मतलब माइनस आयोटा तो यहाँ इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हम कह सकेंगे कि जेड वन प्लस जेड टू बार या कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू तो ये हो गई प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अब उसके बाद यहाँ पे कोई भी स्केलर नंबर है जैसे कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है उससे हम अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सपोज टू से थ्री माइनस फोर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोनों टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स माइनस एट आयोटा अगर और अगर किसी भी जीरो से या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर जीरो ही मिल जाएगा अब उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि जेड वन ए प्लस आयोटा बी और जेड टू ए माइनस आयोटा बी होगा या सी प्लस आयोटा डी अगर है तो जेड वन माइनस जेड टू अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी तो ए प्लस आयोटा बी माइनस सी माइनस आयोटा डी तो यहाँ पे ए से सी को माइनस करना है तो ए माइनस सी प्लस अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेना है तो यहाँ पे बी माइनस डी और ये आयोटा कॉमन तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन करना है अब सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है कि सपोज जेड से अगर हम जेड बार माइनस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर उसका कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें टू टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट मिलेगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और दोनों ऐड होंगे और रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद अब कॉन्जुगेट के लिए जो हमने एडिशन की प्रॉपर्टी ली थी यही सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड होती है जैसे कि जेड वन माइनस जेड वन माइनस जेड टू कॉन्जुगेट तो ये कॉन्जुगेट हमें दोनों को सेपरेट अप्लाई करना है तो जेड वन बार माइनस जेड टू बार और जेड वन और जेड टू यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें हमने सपोज जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनका हमें मल्टीप्लाई करना है तो जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस आयोटा डी तो ए से ब्रैकेट को और बी से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ए सी माइनस बी इंटू डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा इस तरीके से हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिला था तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उनकी प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सपोज़ जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू जेड टू इंटू जेड वन तो इसे कमिटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है तो कमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स असोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी जैसे कि जेड वन इंटू जेड टू मल्टीप्लाइड बाय जेड थ्री इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट जेड वन इंटू जेड टू मल्टीप्लाइड बाय जेड थ्री तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू जेड वन तो हमें आंसर जेड वन ही मिलेगा और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्योरली रियल नंबर मिलेगा अब यहाँ पे प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी मतलब क्या होगा कि सपोज थ्री प्लस टू आयोटा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर अब इसमें प्योरली रियल मतलब थ्री पार्ट है प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी टू आई या टू आयोटा अगर ऐसा है थ्री आयोटा फोर आयोटा तो दिस इज द प्योरली रियल पार्ट और सॉरी प्योरली कॉम्प्लेक्स पार्ट और ये होगा प्योरली रियल पार्ट तो इस तरीके से हमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करते वक्त हमें यूज़ करना है ये सभी बेसिक कंसेप्ट हैं पावर के बारे में भी हमने बेसिक कंसेप्ट इसके पहले लिया है कि आयोटा रेज टू पावर फोर इंटू एन अगर है तो इसकी वैल्यू वन होगी फोर के मल्टीपल में कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका पावर इस फॉर्म में होगा तो उसकी वैल्यू हमें वन लेना है जैसे कि अगर आयोटा रिज टू पावर ट्वेंटी थ्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो आइटा रिज टू पावर फोर इंटू फाइव और इंटू आयोटा रिज टू पावर थ्री इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं फिर आयोटा रिज टू पावर फोर इंटू फाइव ये हो जाएगा और आयोटा क्यूब आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है वो माइनस आयोटा होगी क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा तो माइनस वन इंटू आयोटा मतलब माइनस आयोटा तो इस तरीके से हमें पावर्स को सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फिर उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिस्कशन किया था तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन तो डिवीज़न को पहले हम एक बार डिस्कस करेंगे कि सपोज जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है और जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी है तो जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू डिवीजन करना है तो ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय सी प्लस आयोटा डी तो डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है उससे हमें न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सी माइनस आयोटा डी सी माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हमने पिछले वीडियो में किया था तो यहाँ पे न्यूमिरेटर में आया था ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वायेयर और प्लस इन ब्रैकेट बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायेयर इन टू तो अब ये प्योरली सॉरी ये रियल पार्ट होगा और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा तो ये डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से तो अभी हम डिवीजन का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सपोज थ्री प्लस टू आयोटा डिवाइड बाय फोर प्लस थ्री आयोटा तो अभी हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे फोर माइनस थ्री आयोटा और फोर माइनस थ्री आयोटा से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम तो थ्री फोर ज ट्वेल्व माइनस नाइन आयोटा प्लस एट आयोटा और माइनस थ्री इंटू टू सिक्स और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस प्लस फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन माइनस वन आयोटा डिवाइड बाय सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव तो अगर हम यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफरेंट करेंगे मतलब सेपरेट करेंगे तो एटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव आयोटा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो डिवीज़न की पहली जो प्रॉपर्टी है अगर हम वन अपॉन आयोटा लेते हैं तो वन अपन आयोटा लेने के बाद इसे हमें मल्टीप्लाई करना है आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आयोटा से ही मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा इंटू वन मतलब आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वेयर मतलब माइनस वन तो हमें माइनस आयोटा मिल जाएगा तो वन अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा अब सेकेंड प्रॉपर्टी अगर वन को हमने यहाँ पे आ, ए प्लस आयोटा बी से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमने वन को आयोटा से डिवाइड किया था तो माइनस आयोटा आंसर आया था अब वन अपॉन ए प्लस आयोटा बी तो वन को ए प्लस आयोटा से डिवाइड करने के बाद ए प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी तो उसका कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी से हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस आईटा बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यही जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हैं अब इसके बाद पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे